आज का हमारा टॉपिक है रैशनल एक्सप्रेशंस इन इट्स क्लोज्ड फॉर्म। सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। द रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ x ओवर q ऑफ x इज सेड टू बी इन इट्स क्लोज्ड फॉर्म इफ p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पॉलीनोमियल्स विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर। x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन क्लोज्ड फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन भी लोएस्ट फॉर्म में हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि किस तरह पता चलेगा कि कोई रैशनल एक्सप्रेशन लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। इसके लिए रैशनल एक्सप्रेशन के न्यूमिनेटर का एस सी एफ वन के बराबर और डिनोमिनेटर का एस सी एफ भी वन के बराबर होना जरूरी है। वो रैशनल एक्सप्रेशन जिनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एस सी एफ वन के बराबर हो, ऐसे रैशनल एक्सप्रेशन लोएस्ट फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब हम रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म को फाइंड करने के चंद स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में मौजूद है। स्टेप नंबर वन के मुताबिक पॉलिनोमियल्स p ऑफ x और q ऑफ x को फैक्टराइज किया जाएगा। स्टेप नंबर टू के मुताबिक p ऑफ x और q ऑफ x का एस सी एफ फाइंड किया जाएगा। स्टेप नंबर थ्री के मुताबिक न्यूमिरेटर p ऑफ x और डिनोमिनेटर q ऑफ x को p ऑफ x और q ऑफ x के एस सी एफ से डिवाइड किया जाएगा। नतीजे में हासिल होने वाला रैशनल एक्सप्रेशन लोएस्ट फॉर्म में मौजूद होगा। अब हम इन स्टेप्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें ये एक रैशनल एक्सप्रेशन दिया गया है। सबसे पहले एल एक्स प्लस एम एक्स में से एक्स को कॉमन लिया जाएगा और एल वाई माइनस एम वाई में से वाई को कॉमन लिया जाएगा। ओवर के नीचे मौजूद वैल्यूज में से थ्री को कॉमन लिया जाएगा। एल प्लस एम को अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा जबकि एक्स माइनस वाई को अलहदा ब्रैकेट में लिखा जाएगा और ओवर के नीचे मौजूद एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाएगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये एक्सप्रेशन हासिल होगा और ये रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में मौजूद है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।